आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आदित्य राज आप लोगों के सामने शिक्षक की भूमिका व उनके महत्व पर कुछ शब्द बोलने जा रहा हूँ। गुरु का स्थान ब्रह्मा के समान माना गया है। जिस प्रकार ब्रह्मा दुनिया की रचना करते हैं, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य के अंदर छिपे हुए गुणों को बाहर निकालते हैं। गुरु को हम लोग शिक्षक भी बोलते हैं। गुरु शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, गु जो रू। गु का अर्थ है अंधकार तथा रू का अर्थ है प्रकाश, अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। हम प्राचीन काल से ही सुनते आ रहे हैं गुरु की महिमा और महानता के बारे में। इसके मेरे पास उदाहरण भी है, वह एक लव्य की कहानी। एक लव्य ने सिर्फ अपना दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए काटा था क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। हम प्राचीन काल से ही गुरु की आज्ञा करते आ रहे हैं और हमें ये आगे भी कायम रखना चाहिए। कबीर दास जी ने गुरु को कुम्हार माना है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को सुंदर रूप प्रदान करती है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को बाहर से डांट कर उसकी अंदर की बुराइयां को बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें उनके बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, वे हमारे भलाई के लिए ही डांटते हैं। कबीर जी ने एक और बात भी कही है, हमारा शरीर बेरूपी विष की तरह है। इसको ग्रहण करने से किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन गुरु अमृत का भंडार है। यहाँ पर विष का मतलब बुराइयां तथा अमृत। अगर हमें अपने शिक्षकों के लिए जान भी देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया और हमारी छोटे छोटे शरारतों को नज़रअंदाज किया और हमें डांटा भी तो भलाई के लिए, और हमें हमेशा सीख देते रहे दूसरों की सहायता करना। तो हमें इतना तो हम अपने शिक्षक के लिए करना ही चाहिए। मैं ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको द्वारा एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। शिक्षक सब तीन सब से मिलकर बना है, सी जो छ जो क। सी का अर्थ शिखर तक ले जाने वाला, छ का अर्थ क्षमा की भावना रखने वाला तथा क का अर्थ कमजोरी दूर करने वाला। धन्यवाद।